हेलो एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज कीपिंग सेफ। तो हम क्या कर रहे थे, हम प्रोसेसेस देख रहे थे कि कैसे कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर सेपरेट आउट होते हैं। वही हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। इन ऑर्डर टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, एक मिक्सचर है जिसमें सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड है और उसके साथ क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अब आपको दोनों में से एक कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना है। टेक्निक का नाम क्या होगा, सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन की टेक्निक हमने पहले भी पढ़ी हुई है पिछले चैप्टर में। सब्लिमेशन क्या होता है, बोला प्रोसेस होता है जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का प्रोसेस कहाँ यूज करेंगे, जब मिक्सचर में कोई एक सब्सटेंस सब्लिमेबल हो, मतलब जल्दी सब्लाइम करे, मतलब जल्दी सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो सब्लिमेशन टेक्निक इज यूज टू सेपरेट सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। मतलब आपको एक मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लाइम कर जाता है, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा नहीं होता। हम ऐसी जगह पे कौन सी चीज यूज करेंगे, सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज करेंगे। अब क्या है, अब थोड़ी सी टेक्निक्स आपने पढ़ ली है, तो आपको क्वेश्चंस बताती हूँ मैं किस फॉर्म में आते हैं। आपको डायरेक्टली एक मिक्सचर दिया होगा, वो मिक्सचर कोई भी हो सकता है, उसमें सॉल्ट भी हो सकता है, सैंड भी हो सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, कई चीजें हो सकती हैं, और आपसे पूछा जाएगा स्टेप वाइज कि आप मिक्सचर को किस तरह सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब यहां तो मैंने सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया कि सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर हो तो आप उसको सब्लिमेशन से सेपरेट आउट करेंगे। मैं और भी एग्जांपल्स दूंगी जहां सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज होता है, तो आपके पास जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये सब्लिमेशन टेक्निक हम अच्छे से समझते हैं, ऑल्दो एक बार कर दिए बट रिवाइज हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टेक्निक। सो मैंने यहाँ डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया सब्लिमेशन का प्रोसेस किया क्या, पहले एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं। दिस इज अ ट्राइपॉड स्टैंड, होल्ड करने के लिए एक स्टैंड है, उसके बीच में बर्नर लगा हुआ है, राइट। उसके ऊपर आपने एक बाउल टाइप रखा, चाइना डिश का काम था कि वो जल्दी हीट अप होने के बाद, टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती, इसलिए आपने इस तरह का बाउल रखा, नोन एज चाइना डिश। लैब्स में आप यही यूज करते हो। अब चाइना डिश के अंदर यहाँ पे आपने एक मिक्सचर लिया अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का, दोनों व्हाइट कलर के पाउडर्ड फॉर्म में सब्सटेंस होते हैं, तो आप इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने एक मिक्सचर लिया और उसके ऊपर ये जो रेड पोर्शन से दिखा हुआ, दिस इज एन इन्वर्टेड फनल। फनल ऐसे दिखती है, आई होप आपको पता हो, लास्ट टाइम भी हमने फनल ली थी, फनल से हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो फनल को इन्वर्ट करके यानी उल्टा करके मैंने इसके ऊपर रख दिया, ये जो बाउल था इसके ऊपर मैंने फनल को रख दिया। अब फनल के ऊपर मैंने यहाँ पे कॉटन प्लग लगा दी, कॉटन का एक टुकड़ा लगा दिया। अब कॉटन प्लग यानी कॉटन का काम क्या है, जितने भी यहां से वेपर्स निकलेंगे वो उसे बाहर एस्केप आउट नहीं करने देगी कॉटन, राइट। अब हुआ क्या, जब यहाँ हीट करना स्टार्ट किया, यहाँ जैसे ही हीट हुआ सब्सटेंस अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर, तो वेपर्स निकलने स्टार्ट हुए अमोनियम क्लोराइड के, बिकॉज अमोनियम क्लोराइड इज अ हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस एंड इट सब्लाइम्स, मतलब वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट होती है, लिक्विड स्टेट में नहीं होता। तो क्या होता है, यहां से वेपर्स निकलने स्टार्ट हुए अमोनियम क्लोराइड के, और अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बाहर एस्केप आउट करना चाहेंगे, बट यहाँ पे कॉटन प्लग लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली वेपर्स जो यहां से निकले वो वेपर्स वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे ओवर द टाइम, कूल होके यही उसके साइड पे ही डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। आई विल रिपीट माय सेल्फ, किया क्या, यहाँ पे मिक्सचर था सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड का, जैसे ही हीट प्रोवाइड करी गई तो अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि हाईली सब्लिमेबल सब्सटेंस है तो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स निकले, और क्योंकि उसको कोई जगह नहीं मिली एस्केप आउट करने के लिए तो वो हीट अप होके वापस कूल डाउन कर गए। जब वो अल्टीमेटली धीरे धीरे कूल हुए तो यहाँ पे डिपॉजिट हो गए। अब जब आप ये फनल साइड पे निकालेंगे तो यहाँ आपका सब्सटेंस अमोनियम क्लोराइड निकल गया और यहाँ पे सॉल्ट बच गई, एंड हेंस द मिक्सचर हैज बीन सेपरेटेड। अब क्वेश्चन आता है कि ये मिक्सचर सेपरेट करने के लिए आपने जब यूज किया तो सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड लिया, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो इस प्रोसेस यानी सब्लिमेशन से सेपरेट आउट हो जाते हैं, तो मैं लिस्ट बताती हूँ उसकी। सो टेक्निक है सब्लिमेशन, यूज टू सेपरेट सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। आई होप आपको सब्लिमेबल और वोलेटाइल वर्ड का मतलब क्लियर हुआ। तो अब सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट्स के एग्जांपल क्या है, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर यानी हिंदी में कपूर जिसे आप बोलते हैं,
नैप्थलीन या एंथ्रेसीन। नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट्स क्या है? सोडियम क्लोराइड, सैंड, चौक या कुछ भी, और काफी सारे कंपोनेंट्स, मोस्टली कंपोनेंट्स नॉन सब्लिमेबल ही होते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको बोलेंगे सपोज देयर इज अ मिक्सचर ऑफ नैप्थलीन एंड सैंड, हाउ वुड यू सेपरेट इट, राइट? एक तो फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, दूसरा और बेटर मेथड क्या होगा, नैप्थलीन है तो इमीडिएटली आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा कि सब्लिमेशन कर सकते हैं। तो आपको बस बेसिकली ये वाले नाम याद करने हैं, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रेसीन। अगर ऐसे कोई कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और उसके साथ कुछ भी और प्रेजेंट है तो टेक्निक कौन सी यूज करेंगे आप, सब्लिमेशन यूज करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, क्रोमैटोग्राफी, और उसके बारे में पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टेक्निक इज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ डाई, राइट? अब ये टेक्निक स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, जो फर्स्ट एकदम फर्स्ट टेक्निक थी इन ऑर्डर टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ इंक, जब आप डाई को सेपरेट करते हैं इंक में से, जो फर्स्ट टेक्निक थी, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। इसमें हम डाई के अलग अलग कंपोनेंट्स यानी उसके अलग अलग कलर्स डिटेक्ट करेंगे, क्रोमैटोग्राफी यूज करते हैं। टेक्निक का नाम है क्रोमैटोग्राफी। अब क्रोमैटोग्राफी वर्ड आता है क्रोमा वर्ड से, दैट्स अ ग्रीक वर्ड, मीनिंग ऑफ क्रोमा इज कलर। तो इनिशियली क्रोमैटोग्राफी जो टेक्निक थी दैट वाज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्स, कलर्स सेपरेट करने के लिए यूज होती थी ये टेक्निक। फिर धीरे धीरे कंपोनेंट्स ऑफ अ डाई को के कलर्स या फिर अलग अलग तरीके में अप्लाई करी गई। तो देखते हैं पहले टेक्निक क्या है। मैंने एक फिल्टर पेपर लिया, यहाँ पे फिल्टर पेपर की जगह आप एक क्रोमैटोग्राफिक पेपर भी ले सकते हैं, खैर दैट इज वॉट यू यूज इन लैब्स। यहाँ फिल्टर पेपर से ही मैं बताती हूँ एक्सपेरिमेंट। फिल्टर पेपर लिया और उसके ऊपर यहाँ पे जो एक लाइन बनाई, दैट लाइन हैज टू बी मेड फ्रॉम पेंसिल, रीजन बीइंग अगर यहाँ पेन से लाइन बनाएंगे तो पेन की जो अलग इंक होती है वो अलग से कलर दिखाएगी। तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी आपने पेंसिल से और उसके ऊपर एक स्पॉट बनाया, लेट सपोज ब्लैक इंक का आपने स्पॉट बनाया बड़ा सा, राइट? एक विजिबल सा स्पॉट बनाया। अब इस फिल्टर पेपर को आपने एक ग्लास जार में रख लिया, ग्लास जार, दिस इज अ ग्लास जार, एंड उस ग्लास जार में देयर सम अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर क्या है, वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। अब जैसे ये फिल्टर पेपर वाटर को अपने साथ ऊपर लेकर जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ये जो इंक है इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड इंक स्टार्ट सेपरेटिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ये जो ब्लैक कलर की इंक है ये सेपरेट होने लग जाती है और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं आपको वो अलग से दिखाई देने लग जाते हैं। दैट मीन्स द ब्लैक इंक स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ऐसे आपको कुछ अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे, आपको साथ में इंक भी ऊपर जाती दिखाई देगी, राइट? तो वाटर इसमें क्या एक्ट कर रहा है, वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। और दूसरी चीज क्या है, ये जो इंक है दैट इज सॉल्युबल इन दिस वाटर एंड हेंस इट मूव्स अलोंग विद द वाटर लेवल। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। सो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं। फर्स्ट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक इज दैट इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ दोज कंपोनेंट्स, दोज सॉल्यूट्स दैट डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट। जैसे पीछे जो हमने एग्जाम्पल दिया उसमें सॉल्वेंट कौन सा था, वॉटर सॉल्वेंट था, एंड सॉल्यूट वॉज दैट डाई, राइट? अब उस डाई में अलग अलग कंपोनेंट्स थे दैट वर सॉल्युबल इन वॉटर, इसलिए वो डाई उस कंपोनेंट के साथ, उस वॉटर के साथ ऊपर जाने लगी। नेक्स्ट इज अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स। जो कोई भी डाई होती है, कोई भी इंक होती है, उसमें दो से ज्यादा कलर्स होते हैं, उनसे बनी होती है वो, राइट? एज द वॉटर राइजेस इट टेक्स अलॉन्ग इट द डाई पार्टिकल्स। जैसे वॉटर ऊपर राइज करता है फिल्टर पेपर के साथ, वो अपने साथ कुछ ना कुछ डाई के पार्टिकल्स ले जाता है। द कलर्ड कंपोनेंट विच इज मोर सॉल्युबल राइजेस फास्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप आगे समझेंगे जब 11, 12 में वापस ये वाली टेक्निक क्रोमैटोग्राफी पढ़ेंगे। जो ज्यादा सॉल्युबल कंपोनेंट होता है वो जल्दी ऊपर राइज करता है क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक। डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में, फिलहाल हम क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक की एप्लीकेशंस देख लेते हैं डेली लाइफ में। सो आई हैव रिटन एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमैटोग्राफी। फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे एक डाई के अलग अलग कलर सेपरेट हो जाते हैं क्रोमैटोग्राफी के थ्रू। नेक्स्ट इज टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर। अगेन ये भी सेम तरीका ही है, कोई भी नेचुरल कलर होगा, फूड कलरिंग एजेंट या कुछ भी, और जो प्रोबेबली एक लिक्विड फॉर्म में होगा, राइट? इस चीज का ध्यान रखना कि लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। उस पर आपने स्पॉट बना दिया और क्रोमैटोग्राफी टेक्निक से देख लिया कि कितना राइज हुआ है और कौन सा कलर है उसमें। थर्ड इज टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड।
अब ये वाली चीज देखते हैं कि ये कैसे होता है. सो डॉक्टर ने एक ब्लड सैंपल लिया और उसको टेस्ट करने कि उसमें ड्रग की कंजम्पशन है कि नहीं. तो क्या करेंगे, डॉक्टर ने वो ब्लड सैंपल को वो ब्लड का एक स्पॉट बना दिया क्रोमैटोग्राफिक पेपर पे. अब तो बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई है, बट हम वो देखेंगे जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हम रिलेट कर सके. तो क्रोमैटोग्राफिक पेपर या फिर फिल्टर पेपर के ऊपर क्या किया, ब्लड का एक स्पॉट बना दिया. अब उसे एज इट इज एक सॉल्वेंट के साथ रख दिया. धीरे धीरे क्रोमैटोग्राफिक पेपर में क्या होगा, ब्लड का जो कंपोनेंट, ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो राइज करना स्टार्ट करेंगे. आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे. अगर उसमें ड्रग प्रेजेंट है तो उसका आपको एक अलग से स्पॉट दिखाई देगा. यहां मैं शो कर देती हूँ. लेट सपोज हमारा क्रोमैटोग्राफिक पेपर है, यहाँ पे एक ब्लड का आपने स्पॉट बना दिया. अब अगर इस स्पॉट पे आपको ड्रग देखना है कि नहीं, तो आफ्टर अ टाइम लाइक 2-3 आवर्स के बाद जब आप एक क्रोमैटोग्राफिक पेपर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, लेवल राइज हो रहा होता है. और राइज होते वक्त अगर एक अलग से डॉट प्रेजेंट है, मतलब उसमें ड्रग है. आपने कैसे टेस्ट किया, इसके साथ एक रेफरेंस लगा दिया जो एक प्योर ब्लड का सैंपल है, और इस प्योर ब्लड के सैंपल को इस सैंपल से टेस्ट किया. अगर एग्जैक्टली लेट सपोज यहाँ पे और यहाँ पे दो स्पॉट्स आते हैं, राइट. तो अब इसमें जो हमारा ये वाला सैंपल है, इसमें 3 स्पॉट्स आ रहे हैं, मतलब एक एडिशनल स्पॉट आ रहा है. तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि एक एडिशनल कंपोनेंट प्रेजेंट है ब्लड में, विच मीन्स देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ड्रग्स आर प्रेजेंट इन दैट ब्लड सैंपल. तो ऐसे डॉक्टर्स डिटेक्ट करते हैं एक सैंपल में. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. हम आगे और स्टडी करेंगे और टेक्निक्स के बारे में और एडवांस टेक्निक्स देखेंगे. दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. टिल देन टेक केयर.